हमारे मोहतरम जनाब इस मुशायरे की सदारत कर रहे इस प्रोग्राम के मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब, मेरी जब इनसे पहली मुलाकात हुई राजापुर सिगरौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मुझे उसी दिन ये महसूस हुआ कि वाकई बहुत खुशनसीब हूँ मैं जो कि ऐसी दीगर शख्सियत से मुलाकात करने का मौका मुझे मिला, और हमारे कहने पर और हमारी इस दावत को कबूल किया हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर मोहतरम जनाब शादाब आजमी साहब, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने इनसे कहा कि शादाब भाई के प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा उमर मुझको तो यूँ जाना था लखनऊ, लेकिन जब तुमने कह दिया है और खासकर जब हाफिज़े कुरान बच्चों का ये प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर आऊंगा। तो मेरे बुलाने पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर शादाब आजमी जी ने लबैक कहा। मैं शादाब भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर बच्चों के लिए और हमारे लिए अपना वक्त दिया, और हमको भी कुछ सीखने का मौका मिला। हमारे इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे रजब अली शेरवानी साहब, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मुसलसल जो है अपनी आवाज़ के जरिए से इस प्रोग्राम की निजामत करते रहे। और मैं अपने अजमत अकेडमी के डायरेक्टर मोहतरम जनाब आसिफ फारूकी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जफर जमाल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने इन तमाम दोस्तों का जो कि आजमगढ़ से कुछ दोस्त आए, कुछ जौनपुर की सरजमी से दोस्त आए, तो मेरे बुलाने पर आप सब यहाँ तशरीफ लाए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग का। तो बचपन में जफर भाई आप लोग ये मत समझिएगा कि टीचर है तो हमने ही सब कुछ सिखाया है, कुछ मैं सीख कर भी आया जो है बचपन में जब मैं 8 साल का था तो मैं ट्रेन की आवाज निकालता था, और आज जो दौर है तो दोस्त कुछ अभी कह रहे थे कि मैं ट्रेन की आवाज निकालो तो देखिए इंटरटेनमेंट, देखिए अभी जो माहौल रहा है बहुत ही अच्छा माहौल रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ थोड़ा हंसी का माहौल होगा। देखिए जब एक डॉक्टर साहब मैं आप जब एक जलक ट्रेन रेलवे स्टेशन मेन हाइवे स्टेशन प्लीज गाड़ी नंबर 542 गतिमान सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 2 से रवाना होगी। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि रेलवे लाइन को पार ना करें। सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 2 से रवाना होगी।